डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक क्या प्रयास है ये थीम वाइज जो पेपर वन आपको पता है सात आठ टॉपिक है एज पर दिलेबस वन ऑफ यूजीसी नेट उसमें से यदि हम लॉजिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को देखें जो अभी जून में पेपर हुई और कैंसिल हो गई ठीक है पेपर तो कैंसिल हो गई लेकिन उसने हम लोगों के लिए एक खजाना छोड़ दिया है क्या क्योंकि पेपर जो है वो हैंड टू हैंड हैं मिल गए थे स्टूडेंट को ये बहुत बड़ी एक तरह से आ, फैसिलिटी थी क्योंकि यदि सीबीटी होता जॉब होने जा रहा है तो स्टूडेंट को कुछ दिन बाद ही पता चलता है उस दिन तो हम लोगों को पता नहीं चलता है तो सबके हाथ में क्वेश्चन पेपर है उसका फायदा उठा के मैं क्या कर रहा हूं कि पेपर वन के मैंने एक पूरे पेपर को एनालाइज किया था पॉल साइंस डोमेन का बाद में मुझे पता चला कि वो केवल पॉल साइंस डोमेन नहीं था सिर्फ टू में जितने डोमेन के पेपर आए थे सबका पेपर वन जो है कॉमन था मतलब पेपर वन के क्वेश्चन कॉमन थे इसका मतलब क्या है केवल हमारे हाथ में दो पेपर हैं पेपर वन के एक सिफ्ट वन और एक सिफ्ट टू ये सिफ्ट वन का पेपर है जिसमें से मैंने चार क्वेश्चन केवल लॉजिकल एप्टीट्यूड के छांट लिए हैं कल आउट कर लिए हैं निकाल लिए हैं और उसको चलिए थोड़ा डिटेल में क्योंकि कल चार क्वेश्चन है तो ये वीडियो यदि थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर डिस्कशन करेंगे तो एक तरह से आप ऑनलाइन लेक्चर इसको समझ सकते हैं उन थीम्स पे उन टॉपिक्स पे जो इन क्वेश्चन से करते हैं आपको काफी नॉलेज मिलेगा विथ लॉर्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सो लेट अस बिगिन यूजीसी नेट लॉजिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन टेकन आउट फ्रॉम जून 2024 साइकिल सिफ्ट वन विथ लॉर्ट्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिसटस बिगिन ये तो मेरा काम है आपको बताना कि ये सब बुक जो है खास करके ये बुक अभी जस्ट रिलीज हुई है आपको लगे कि सी यू टी पी जी पास्ट फाइव ईयर्स हम यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए क्या फायदा है इसमें पांच साल के क्वेश्चन पेपर मतलब एक तो एक साल में दो पेपर आए थे तो छह पेपर हैं 450 क्वेश्चन डीप एनालिसिस विथ आंसर की एंड लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन सच ए वे कि आप पढ़ सकते हैं कि क्या पूछा गया जैसे जिस तरह से मैंने यूजीसी नेट गाइड और सीयूटीपीजी गाइड में दिया है तो उस तरीके से 450 क्वेश्चन का एक तरह से लेखा जोखा थीम वाइज एक ट्रेजर ट्रोव है खजाना जैसा है जो हर एग्जाम के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा इसमें यदि आप सी ई टी पी जी दे रहे हैं तो एग्जामिनेशन का कैसे प्रिपेयर करें किस बुक से पढ़ें क्या रिसोर्स है ये सारी चीजें बताई गई हैं विथ टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रैटी टू क्रैकिंग एग्जाम जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जो है सी ई टी पी जी की गाइड है ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस है आप लोगों ने इसको पॉपुलर बनाया है यू जी सी नेट गाइड है और ये सब बुक के जो लिंक हैं यहाँ दिए गए हैं अधिकतर इसमें से Amazon पे Kindle वर्सन में है एक अभी UGC net guide जो है वो इंस्टा मोजो पे भी अवेलेबल है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक है आप उसको सीधा क्लिक कर सकते हैं अब आइए हम लोग इन चार क्वेश्चन को देखते हैं पहले तो आपको चार चार में दो तीन बार बोल चुका हूं जनरली इंडियन लॉजिक या लॉजिकल एप्टीट्यूड से पांच क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन इन्होंने इस बार चार ही पूछे वैसे मैंने पिछले बार भी देखा था चार ही पूछे थे तो एक क्वेश्चन इसमें से ये खा जा रहे हैं और किसी दूसरे में ऐड कर देते हैं खास करके कम्युनिकेशन में या हायर एजुकेशन में वो ऐड कर, कर देते हैं पांच के बजाय छह क्वेश्चन कर देते हैं जनरली हर टॉपिक से पांच पांच क्वेश्चन पूछा जाता था, था पहले अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉजिकल फैलेसी पे है इसको इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं दो टाइप की फैलेसी होती है लॉजिकल आर्गुमेंट में एक फैलेसी फॉर्मल फैलेसी होती है जो लॉजिकल आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर ही यदि फॉल्टी हो स्ट्रक्चर आपको पता है ना सैलोगिजम का मेजर प्रेमिस माइनर प्रेमिस और कंक्लूजन यदि वो खुद ही फॉल्टी हो तो वो जो है फॉर्मल फैलेसी होती है लेकिन यदि वो सही हो जो स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन जो बातें कही गई हैं आर्गूमेंट में जो रीजनिंग दिया गया है जो लॉजिक दिया गया है जो एजम्शन लिया गया है जिसके बेसिस पे आर्गूमेंट बिल्ट है यदि वो फॉल्टी हो तो उसको इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसी कई तरीके के होते हैं यहाँ पे देखिए चार तो यहीं पे दिख रहा है अपील टू इग्नोरेंस हैस्टी जनरलाइजेशन स्लिपरी स्लोप एंड फॉल्स कॉज इस तरह के कम से कम दस पंद्रह फैलेसी आपको पढ़ लेने चाहिए अब यहाँ देखिए जो फैलेसी है उसको मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट है आर्गुमेंट है पीपल विथ केसेज ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन यदि किसी को फ्लू हुआ है तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए क्वारंटाइन में रखना चाहिए बिकॉज लॉजिक क्या दिया जा रहा है इट हैज नेवर बीन डिसप्रूव एज बेस्ट मीन्स ऑफ कीपिंग द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग मतलब किसी ने आज तक इसको डिसप्रूव uh, नहीं किया मतलब निगेट नहीं किया है कि यदि हम आइसोलेशन में रखते हैं तो डिजीज स्प्रेड नहीं होती है इसको किसी ने आज तक डिस्प्रूव नहीं किया है मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि हमने आइसोलेशन में रखा उसके बाद भी फैल गई है ऐसा किसी ने अभी तक नहीं किया है यदि किसी ने नहीं किया इसका मतलब है कि यदि हम आइसोलेशन में रखेंगे तो डिजीज नहीं फैलेगी अब यह जो आर्गूमेंट है इसमें क्या है कि किसी ने अभी तक डिस्प्रूव नहीं किया है इसका मतलब है कि हमको पता नहीं है भाई अभी तक किसी ने डिसअप्रूव नहीं किया है कल को कोई कर देगा तो कल को कोई कर देगा तो मान लीजिए हम कहते हैं कि इस दुनिया में एलियन नहीं होते हैं यूनिवर्स में एलियन नहीं है क्योंकि किसी ने आज तक प्रूव नहीं किया है कि एलियन होते हैं तो आज तक प्रूव नहीं किया हम इग्नोरेंट हैं तो क्या हम इस यूनिवर्स में अर्थ के अलावा कहीं लाइफ नहीं है क्यों क्योंकि आज तक जो है किसी ने प्रूव नहीं किया किसी प्लैनेट पे या कहीं पर जो है लाइफ है नहीं पता किया नहीं पता है हमें इग्नोरेंट है हम इसका मतलब थोड़ी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो इसको अपील टू इग्नोरेंस कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस कहते हैं तो यहां तो मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया तो अपील टू इग्नोरेंस आप बहुत बहुत आसान है दे देखिए जैसा जस, इसका नाम है कि आप तुरंत जो है जनरलाइज कर देते हैं कि मैंने दो स्टूडेंट से बात किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के आ, दोनों जो है अच्छे से पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज मैंने देखा नहीं है इसका मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज नहीं है मतलब आपने एकदम हेस्टी जनरलाइजेशन कर दिया मैंने दो नेताओं से मैं मिला तो दोनों जो हैं वो डिसऑनेस्ट हैं। इसका मतलब नेता डिसऑनेस्ट होते हैं तो ये हेस्टी जनरलाइजेशन है गलत है स्लिपरी स्लोप क्या है जो जो इसे आप बर्लिन कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी एक स्लिपरी स्लोप है स्लिपरी स्लोप जैसा कहते हैं ना कि एक बार भी आप फिसलना शुरू करें स्लिपरी स्लोप पे जो स्लाइड होता है तो आप रुक नहीं पाते हैं। बीच में कोई रुक पाता है क्या तो वही है कि एक छोटा सा आपने कोई ले लिया कोई इंस्टेंस और उसको इतना बढ़ा चढ़ा दिया तुरंत लगे कि स्लिपरी स्लोप पे चले गए जैसे कि इफ वी रेगुलेट द यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर रिक्रिएशनल पर्पज मतलब मान लीजिए हम छुट्टी मना रहे हैं और कोई हमें ड्रोन से जो है रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब ये है कि सरकार बहुत जल्दी जो है हमारे घर में घुस जाएगी हमारे सारे एक्टिविटी में ड्रोन से स्पाई करने लगेगी अब देखिए कहां की बात कहां ले जा रहे हैं सरकार जो है पब्लिक में लोग रिक्रिएट कर रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए ड्रोन का यूज कर रही है कोई बहुत गलत नहीं है और इसको तुरंत हम यहाँ तक ले गए कि नहीं सरकार बहुत इंटरवेंशनिस्ट हो गई है कल को वो स्पाई करेगी कल को घर में ड्रोन से हमें जासूसी करेगी लाइक दिस स्लिपरी स्लो एंड फैलसी ऑफ फॉल्स कॉज जो यहाँ पे चौथा दिख रहा है वो बहुत ही टिपिकल uh, होता है ऑलवेज हम लोग करते हैं मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट के बाद यदि हो तो हम सोचने लगते हैं कि जो है एक कॉज एंड इफेक्ट है जैसे कि मैं बोलूं कि मैं जब भी अपने कुत्ते को uh, एक डंडे से थोड़ा मारता हूं ऐसे उसको चोट पहुंचाता हूं तो बारिश होती है तो मतलब ये एक संयोग है कि आपने एक दो बार कुत्ते को पैट किया एक डंडे से और उस समय बारिश हो गई तो इसका ये कॉज नहीं है जैसे कि मैं जब भी अपने कार को धोता हूं तो उस दिन शाम में बारिश हो जाती है तो इसका मतलब कि कार धोने के कारण बारिश होती है तो मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट के जस्ट बाद यदि होता है तो वो कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता इवेंट कोरिलेट भी यदि दो इवेंट हो रहा हो दो इवेंट में कोरिलेशन हो सकती है ऑलवेज की ये इवेंट होता है तो उसके साथ वो हो जाता है वो भी कॉज एंड इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि इस तरह के जो फॉलेसी हैं वो आप आराम से कर सकते हैं मैं ये बताना चाहता हूं प्रोवाइडेड कि एक दो एग्जाम्पल आप देख लें जैसे मैंने यहां चार दिया है यदि चार के बदले यदि आप चौदह देख लें तो एक तरह से पूरा सिलेबस कवर हो जाता है मैंने कई कई डिफरेंट जो वीडियोस में दिए हैं लेकिन आप कहीं भी नेट पे जाके और कहीं से भी जो है इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लिस्ट ऑफ इनफॉर्मल फॉलेसी नेट से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं इसको सो इसका सही आंसर है अपील टू इगमो नेक्स्ट देखिए ये जो क्वेश्चन आपको काफी नॉलेज देता है यदि हम लोग थोड़ा डिस्कस करें ये कहता है कि न्याय चार स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा सही है न्याय सेलोगिज्म सैलोगिज्म हैज थ्री प्रपोजिशन पहला है न्याय सेलोगिज्म हैज फाइव टर्म्स न्याय सेलोगिज्म हैज फाइव प्रपोजिशन न्याय सेलोगिज्म हैज थ्री प्रपोजिशन एंड थ्री टर्म्स अब देखिए सैलोगिज्म जो है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं जो आर्गुमेंट जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर को सेलोगिज्म कहते हैं जो सबसे फेमस वेस्टर्न फिलोसफी में सेलोगिज्म है वो एरिस्टॉटल के द्वारा दिया गया है जहां पे कि तीन जो है आप देख सकते हैं थ्री स्टेटमेंट होते हैं थ्री प्रपोजिशन आप कह सकते हैं जिसमें से फर्स्ट दो प्रोपोजिशन को हम प्रेमिस कहते हैं जिसपे कि हमारा आर्गुमेंट बेस्ड होता है उसके बेसिस पे जो थर्ड प्रपोजिशन होता है उसको हम कंक्लूजन कहते हैं आप यहां देखिए सबसे जो सिंपल और सबसे हमेशा जो एग्जाम्पल दी जाती है कॉमन वो है पहला प्रपोजिशन है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर यह हम एरिस्टोटेलियन सैलोगिज्म आपको समझा रहे हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर यहां पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है मतलब कि ये एकदम पूरे यूनिवर्स में कहीं भी होता है कि जहां जहां धुआं है वहां जरूर फायर होगा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है यूनिवर्सल स्टेटमेंट फिर हम एक स्पेसिफिक जो है इंस्टेंस देते हैं कि द हिल हैज स्मोक कोई एक पर्टिकुलर हिल है वहां पे स्मोक देखा गया अभी देखिए यूनिवर्सल ये, स्टेटमेंट ये है जनरल स्टेटमेंट है, है और ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है स्पेसिफिक इंस्टेंस है द हिल हैज स्मोक इन दोनों से क्या निकलता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है और एक हिल है जहां पे कि धुआं है इसका मतलब उस हिल पे फायर है देयरफॉर दिस हिल हैज फायर तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको एरिस्टोटलियन सैलोगिज्म कहते हैं थ्री प्रपोजिशन लेकिन इसी चीज को जब हम इंडियन लॉजिक में आते हैं न्याय लॉजिक में गौतमा का तो फिर यहां पे वो पांच प्रपोजिशन में बदल जाता है जिसको कि हम संस्कृत निष्ठ तत्सम भाषा में अवयव कहते हैं पांच अवयव फाइव प्रपोजिशन अब कैसे हो जाता है पहला जो प्रपोजिशन है वो वो स्टेटमेंट हो जाता है जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं द हिल इज फियरी मतलब हिल हैज फायर कह लीजिए द हिल हैज फायर इसको हम प्रतिजना कहते हैं इसको हमको प्रूफ करना है लेकिन सबसे पहले हमने जिसको प्रूफ करना है वही लिख दिया प्रतिजना द प्रोपोजिशन टू बी प्रूफ सेकंड में हम जो है उसका कारण बताते हैं उसको हम हेतु कहते हैं इस प्रपोजिशन uh, को हम हेतु कहते हैं द ग्राउंड और द रीजन बिकॉज इट हैज स्मोक बिकॉज इट हैज स्मोक देखिए किस तरह से हम तोड़ रहे हैं तीन को पांच कर रहे हैं तीसरा जो है वो उदाहरण है या दृष्टना है दृष्टना मतलब क्या उदाहरण या एग्जाम्पल वेयर एवर देयर इज स्मोक देअर इज फायर सच एज इन द किचन अब आप यहां देखिए आगे बढ़ के आपको नॉक केवल एक जनरल स्टेटमेंट यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रहा है कि वेयर देयर इज स्मोक देर इज फायर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल उसका देख दो किचन में जाके देखो जहां पे कि स्मोक होता है तो फायर होता है चौथा प्रपोजिशन है उपानया मतलब अप्लीकेशन अब यहां एक निगेटिव स्टेटमेंट दिया जाता है जिससे और स्ट्रांगली प्रूफ होता है कि जहां जहां स्मोक होगा फायर होगा द स्मोक विच डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट फायर मतलब ये स्टेटमेंट स्मोक धुआं बिना फायर के नहीं होता है और ये स्मोक हिल में पाया गया है यहां पे आपको उपनया एप्लीकेशन इस नॉलेज का किया जा रहा है इन सब के चलते पांचवा जो है स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन निगमाना हो जाता है कंक्लूजन देर फोर द हिल इज फियरी जो कि सेम है जो कि यहां है लेकिन देयर फोर लग गया देर फॉर द हिल इज फियरी देयर हिल इज हिल हैज फायर तो इसलिए न्याय सेलोगिज्म में एरिस्टोटलियन सेलोगिज्म की तुलना में तीन के बजाय पांच प्रपोजिशन हो जाते हैं लेकिन जो टर्म होता है वो अभी भी तीन ही है उसका नाम बदल जाता है यहां पे देखिए तीन टर्म क्या पहले यहां समझिए जो फर्स्ट जो जनरल स्टेटमेंट है उसका जो प्रेडिकेट है सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप जानते हैं ना सब्जेक्ट यहां पे स्मोक है प्रेडिकेट फायर है यहाँ पे सब्जेक्ट हिल है यहाँ पे प्रेडिकेट स्मोक है तो जो प्रेडिकेट है वो फायर है ये जो प्रेडिकेट होता है मेजर प्रेमिस का इसको हम कहते हैं मेजर मेजर ये जो दूसरा वाला जो प्रपोजिशन है उसको हम कहते हैं माइनर प्रेमिस और थर्ड को हम कंक्लूजन कहते हैं तो जो मेजर प्रेमिस का जो प्रेडिकेट है ये मेजर टर्म है मेजर टर्म जो सब्जेक्ट है माइनर माइनर प्रेमिस का जो सब्जेक्ट है वो है माइनर टर्म और जो टर्म दोनों में आता है मेजर माइनर प्रेमिस स्मोक 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 ये मिडिल टर्म है जो दोनों में पाया जाता है अब आप गौर कीजिए जो कंक्लूजन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि माइनर टर्म यहां माइनर स्मोक मिडिल टर्म गायब हो गया माइनर टर्म मेजर टर्म से जुड़ा होता है मेजर टर्म अभी भी जो है प्रेडिकेट है फायर माइनर टर्म अभी भी सब्जेक्ट है कंक्लूजन का और स्मोक जो मिडिल टर्म है वो गायब हो जाता है गौर कीजिए यहां पे ये भी की, गौर कीजिए कि तीनों जो प्रेमिस वन प्रेमिस टू मतलब मेजर प्रेमिस माइनर प्रेमिस कंक्लूजन में हर जो टर्म है वो दो दो बार मतलब हर टर्म तीनों मिला के दो बार आ रहा है फायर यहां पे फायर दो बार हिल हिल दो बार स्मोक स्मोक दो बार तो हर टर्म मतलब मेजर टर्म, टर्म और मिडिल टर्म दो दो बार आता है ये का है तो टर्म इसमें आप देखिए तो मेजर टर्म है माइनर टर्म है मिडिल टर्म है उसी को यहां पे जो पांच प्रपोजिशन वाले न्याय फिलोसफी में या न्याय सैलोगिज्म में हम उसका नाम क्या बदल देते हैं जो प्रेडिकेट होता है पहला जो प्रतिजना का जो प्रेडिकेट है जो जो प्रपोजिशन प्रूव करना है उसका जो प्रेडिकेट है वो मेजर टर्म को हम यहां साधे बोलते हैं जो हिल uh, है जो सब्जेक्ट है वेयर देयर इज द हिल हैज फायर जो हम कहते हैं कि हिल हैज फायर तो जो हिल है जो जिसका हम नेचर को यहां पे जज कर रहे हैं वो पक्ष हो जाता है और जो रीजन है, हे, हेतु है जो कि बेसिकली हमें बताता है कि क्यों जो है हेल फायर है स्मोक वो जो है हेतु या लिंग हो जाता है तो तीन टर्म जो न्याय सेलोगिज्म में है वो साध्या पाक्षा और पक्षा और हेतु है यहां पे मैं थोड़ा आपको बता दूं कि एक जो है वीडियो मैंने बनाया था उसमें एक एरर थी कि मैंने कहा कि पांच टर्म होते क्यों क्योंकि मैं मैंने इसको भी ले लिया था पक्षा धर्मिता जो हेतु है चूंकि वो पक्ष हिल का धर्म बता रहा है कि उस पर स्मोक है इसलिए इसको पक्ष धर्मिता भी कहते हैं और जो जो हेतु है वो साध्य से किस तरह जुड़ा होता है मतलब क्योंकि फायर मतलब जहां जहां स्मोक है वहां वहां फायर है तो ये जो है मिडिल टर्म किस तरह साध्य से या हेतु साध्य से जुड़ा होता है उसको लिंगा परामहसा कहते हैं तो मैंने जो है इन दोनों को भी टर्म ले लिया था जो सही नहीं है आप इसको करेक्ट कर लीजिए मैंने उसमें एक कॉमेंट भी दिया है कि न्याय सिलोगिज्म में टर्म केवल यही तीनों है साध्या पक्षा स्मोक हाँ लेकिन ये जरूर आपको जानना चाहिए कि हेतु को हम दूसरा नाम जो है उसको पक्षाधर्मिता भी कहते हैं और कैसे जो है हेतु रिलेटेड है साध्या से वो लिंग परामर्शा कहते हैं और जो यूनिवर्सल रिलेशन जो हेतु और साध्या के बीच में है उसको हम व्याप्ति कहते हैं मतलब कि यूनिवर्सल कॉन कमिटेंट तो तीन टर्म हो गई इसका मतलब क्या हुआ इन नट सेल कि न्याय सेल्युगिज्म हैज फाइव प्रपोजिशन एंड थ्री टर्म पांच प्रपोजिशन कौन कौन है प्रतिजना हेतु दृष्टना उपनया और निगमना और जो तीन टर्म है क्या है साध्या पक्षा और हेतु साध्या इज मेजर टर्म पक्षा इज माइनर टर्म एंड हेतु या लिंग इज मिडिल टर्म आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा आप एक दो बार देख लीजिए रख लीजिए अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो हॉर्सेज आर फेलाइंग अब पहले तो फेलाइन का मीनिंग जान लीजिए फेलाइन मतलब होता है कैट फैमिली का इवन टाइगर भी कैट फैमिली का है लाइक ए कैट तो नो हॉर्स आर फेलाइन को यदि हम वेन डायग्राम से दिखाएं तो ये यदि हॉर्स है और ये जो है फेलाइन है एफ इन दोनों के बीच में जो है कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब कोई सेट कॉमन नहीं मतलब ये इसके अंदर नहीं है यदि बगल से काट नहीं रहा है कुछ भी नहीं है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका लॉजिकल क्या होगा यदि कोई हॉर्स फेलाइन नहीं है एक भी कोई हॉर्स फेलाइन इसका इसका मतलब है कि कोई फेलाइन भी हॉर्स नहीं है दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आप सोच के देखिए नो डाग इज डॉग इज सॉरी नो डॉग इज कैट तो नो कैट इज डॉग सिंपल मतलब एकदम रिवर्स जो दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट एक दूसरे को जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए तो वो इक्वलिट हो जाती है आप एकदम इंट्यूटिव लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि यदि कोई हॉर्स नहीं है तो कोई फैलाइन भी जो है यदि हॉर्स कोई नहीं है तो कुछ भी हो सकता है वो डॉग हो सकता है कैट हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो क्या हम जानते हैं कि कैट नहीं है कैट भी हो सकता और है और कैट फेलाइन है इसलिए ये स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता था कि जो हॉर्स नहीं है वो फैलाइन नहीं होगा ऐसा तो नहीं है उसमें से कुछ फैलाइन हो भी सकते हैं कैट फैमिली के हो सकते हैं ऑल नॉन हॉर्सेज आर फेलाइन ये भी गलत है मान लीजिए कि इसमें कैट है इसमें जो है कोई और जानवर है डंकी है कोई और है तो सभी जानवर जो है यदि नॉन हॉर्सेज में बहुत तरह के जानवर उसमें कुछ फैलाइन होंगे कुछ फैलाइन नहीं होंगे ऐसा थोड़ी है कि सभी जो नॉन हॉर्सेज फैलाइन हो जाएंगे कभी नहीं होंगे ऑल नॉन फेलाइन आर हॉर्सेज मतलब जो फेलाइन है वो तो हॉर्स नहीं है लेकिन जो नॉन फेलाइन है इसमें कुछ भी होता है डंकी हो सकता है कोई और जानवर हो सकता है डॉग हो सकता है स्नेक हो सकता है हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन वैसा थोड़ी है कि वो जितने भी जो भी होंगे वो हॉर्स हो जाएंगे इट इज नॉट देयर कोई फेलाइन जो है वो हॉर्स नहीं इसका मतलब तो जितने बाकी जानवर बच गए जो फेलाइन नहीं हो वो सब हॉर्स हो जाएंगे बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक ही स्टेटमेंट इसमें से सही है तो इस तरह से आप जो है बहुत लॉजिकली इंटिव आप देख सकते हैं कि चार में से एक ही स्टेटमेंट आपको लॉजिकली होगा जो स्टेटमेंट दिया हुआ इजी क्वेश्चन इसको पढ़ भी लीजिए चौथा और फाइनल क्वेश्चन देखिए जैसा मैंने बताया चार ही क्वेश्चन है ये भी आपको काफी नॉलेज देता है वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी ऑफ द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ द प्रोपोजिशन देखिए वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रपोजिशन बाय इटसेल्फ आपने देखा कि तीन प्रपोजिशन होते हैं प्रपोजिशन वन मेजर प्रेमिस प्रपोजिशन टू माइनर प्रेमिस एंड कंक्लूजन प्रपोजिशन जो ये वैलिडिटी uh, है वो इस स्ट्रक्चर ये पूरे जो थ्री जो प्रपोजिशन स्ट्रक्चर इसको हम सैलोगिज्म कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी है कि वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा आर्गुमेंट वैलिड होता है या इनवैलिड होता है जो प्रपोजिशंस है वो ना तो वैलिड होते हैं ना इनवैलिड होते हैं उस पर वैलिडिटी टेस्ट नहीं होती वो ट्रूथ होंगे ट्रू होंगे होंगे या फॉल्स समझिए इसको मतलब इंडिविजुअल जो है, sorry, जो सॉरी प्रपोजिशंस चाहे कंक्लूजन या तो वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे लेकिन ओवरऑल तीनों मिला के जो जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा इसका मतलब क्या है कि वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रपोजिशन बाय इटसेल्फ इसका मतलब ट्रू है ये तो ए जरूर होना चाहिए तो ए इसमें नहीं है ए इसमें नहीं है ए इसमें नहीं है इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट सही है ये तो चलिए क्वेश्चन तो क्रैक हो गया लेकिन नॉलेज लेते हैं बी क्या है बी तो जरूर ट्रू होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ और फैल्सिटी कैन अप्लाई टू सिंगल प्रोपोजिशन ये ट्रू या फॉल्स आप प्रपोजिशन कह सकते हैं वैलिड इन वैलिड नहीं कह सकते तो बी भी सही है इसका मतलब सी डी तो डेफिनेटली गलत है क्या गलत है प्रपोजिशन बाई देम सेल्व कैन बी वैलिड

ये तीनों जो प्रपोजिशन है स्टेटमेंट है वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे सो फॉल्सिटी एंड ट्रूथनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशन वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर द एट्रीब्यूट ऑफ द इंटायर लॉजिकल ये जो तीनों मिल के जो आर्ग्यूमेंट बनते हैं वो वैलिड होंगे या इन वैलिड होंगे वैलिड आर्ग्यूमेंट हैज ए स्ट्रक्चर दैट इंश्योर्स द कंक्लूजन नेसेसरली फॉलोज फ्रॉम द प्रेमिस जो है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कंक्लूजन नेसेसरली मतलब बिना किसी डाउट के वो प्रेमिस से फॉलो करता है और दुनिया में उसको कोई मतलब नहीं है premises जैसा होगा वैसा ही कंक्लूजन उससे निकलेगा कंक्लूजन नेसेसरी फॉलोज फ्रॉम प्रेमिस रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू इससे कोई मतलब नहीं है कि वो देस ट्रू है फॉल्स है लेकिन जो भी प्रेमिस है उससे ही कंक्लूजन निकलता है बस एक चौथा देखिए क्या है कि एक वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट यदि है वैलिड है और उसका दोनों जो प्रेमिसेज़ है मेजर प्रेमिसेज़ माइनर दोनों ट्रू ट्रू है true है तो प्रपोजिशन जरूर ही ट्रू होगा कोई एक्सेप्शन नहीं है दोनों प्रेमिसेज़ ट्रू तो प्रपोजिशन ट्रू लेकिन यदि दोनों फॉल्स तो क्या प्रपोजिशन फॉल्स नॉट नेसेसरली मे बी ट्रू अब आपको लगेगा ये क्या बात होगी कैसे यदि ट्रू है दोनों प्रेमिस तो जरूर कंक्लूजन ट्रू है लेकिन दोनों है, तो कैसे? आप यहां पे देखिए दो फॉल्स है।, है, है, है ऐसा थोड़ी हर हरा होता है नहीं होता है, हर कलर का होता है सो so, ये फॉल्स है नो कैट्स आर ग्रीन कुछ कैट ग्रीन हो सकते हैं ये भी फॉल्स है लेकिन जरा आप गौर कीजिए यदि सभी डॉग ग्रीन है और कोई भी कैट मतलब हम इसको मान रहे हैं कि ये सही है मतलब फॉल्स है लेकिन गिवन है हमको उसी बेसिस पे आर्गुमेंट करना है नो कैट्स आर ग्रीन कोई बिल्ली जो है ग्रीन नहीं है इसका मतलब क्या है कि नो डॉग्स आर कैट भाई सभी डॉग ग्रीन हैं और कोई कैट ग्रीन नहीं है इसका मतलब कि कोई डॉग कैट नहीं है एकदम ठीक है बिल्कुल और ये ट्रू है स्टेटमेंट नो डॉग ये लॉजिकली फ्लो भी कर रहा है इससे इस दोनों प्रेमिस से फ्लो कर रहा है तो लॉजिकल आर्गुमेंट वैलिड है और ये अपने आप में ये ट्रू है स्टेटमेंट कि नो no कैट लेकिन आप देख सकते हैं कंक्लूजन फॉल्स मतलब है भी, भी हो सकता है ट्रू भी हो सकता है डिपेंड्स अब यहां पे देखिए यदि एक प्रेमिस दूसरा प्रेमिस ट्रू है तब भी जो है कुछ भी हो सकता है जान लीजिए जैसे यहां पे देखिए क्या है न फ्लाई ये फॉल्स है आपको पता है कुछ बर्ड लाइक पेंगुइन फ्लाई नहीं कर पाते हैं सॉरी पेंगुइन पेंग्इन ऑस्ट्रीच बहुत नहीं फ्लाई कर पाते पेंगुइन तो बर्ड नहीं है पेंगुइन बर्ड है यस सॉरी तो पेंगुइन बर्ड है एंड पेंग्विन्स आर बर्ड्स यस पेंगुइन बर्ड की श्रेणी में ही आता है तो पेंग्विन्स आर बर्ड्स तो ट्रू है पेंग्वइन आर बर्ड्स एंड ऑल बर्ड कैन फ्लाई जो कि ये फॉल्स है बहुत सारे बर्ड फ्लाई नहीं कर पाते हैं लेकिन आप देखिए इससे क्या निकलेगा यदि सभी बर्ड जो है वो फ्लाई कर सकते हैं एंड पेंग्विन बर्ड है इसका मतलब पेंग्विन फ्लाई कर सकता है जबकि यह फॉल्स है पेंग्विन फ्लाई नहीं कर पाता है इसका मतलब है कि यह ट्रू और फॉल्स होने पर भी एक यदि प्रोपोजिशन ट्रू हो एक फॉल्स हो तब भी कंक्लूजन पता नहीं क्या होगा इट डिपेंड्स केवल एक ही सर्टेंटी है कि यदि दोनों प्रपोजिशन यदि ट्रू है मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस तो कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा तो यदि पांच छह स्टेटमेंट को आप रट लेते हैं डियर स्टूडेंट तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चाहे आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा पांच बार सुन लीजिए थोड़ा और पढ़ लीजिए इंटरनेट पे नहीं तो इसको याद कर लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप कि ये छोटा वीडियो आपको मजा दिया होगा लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए आधे घंटे का वीडियो बन गया आई होप कि आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस से जो है लॉजिक के क्वेश्चन को क्रैक करेंगे मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके से एक डिटेल वीडियो चार चार पांच पांच क्वेश्चन का थीम वाइज लेकर के जो सिर्फ वन के हैं एक छोटी छोटी वीडियो आधे घंटे से कम का बनाया जाए और आपको जो है कॉन्फिडेंस दिया जाए अभी जो री एग्जाम होने वाले हैं अगस्त सेप्टेंबर में और यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पी यदि आप डिफरेंट पी दे रहे हैं सिपेट एन सी एंड ऑल डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंड मेनी अदर तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आप नेट जेआरएफ नेक्स्ट साइकिल में देना चाहते हैं अब तो ये कहना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि फर्स्ट अगस्त से बैच शुरू होगी क्योंकि अभी तो पहला ही एग्जाम नहीं हुआ आई डोंट नो तो डेफिनेटली आप देखते रहिए कब जो है नेक्स्ट बैच शुरू होता है अभी तो जून वाली बैच ही चल रही है सो so, ओके okay, और इस तरीके से आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप अच्छे क्वेश्चन मुझसे पूछें uh, कई स्टूडेंट पूछते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछते हैं वो भी पूछें लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं तो वो भी आप हमसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कीजिए कि सर इसका आंसर मेरे अनुसार से तो ये है सही है गलत तो वो भी मुझे अच्छा लगता है इन तरीके से आप मुझसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या बातें कर सकते हैं मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय